हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में विकास लाइफ केयर लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि हाल ही में इस कंपनी के क्वार्टर फोर का नंबर आए हैं। क्वार्टर फोर का नंबर बहुत अच्छे नहीं आए हैं, जिसकी बदौलत इस कंपनी के शेयर प्राइस में आपको कुछ खास मोमेंट इन दिनों होते हुए नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके के नंबर आए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस कंपनी का शेयर प्राइस अब धीरे धीरे करके नीचे ही जाएगा। मतलब मैं कुछ शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पेनी स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो पेनी स्टॉक में बहुत सारे लोग बहुत लंबी अवधि तक नहीं सोचते हैं। उनका नज़रिया इस तरह के स्टॉक में 5 साल 10 साल का नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में पेनी स्टॉक पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं शॉर्ट टर्म की ही डिस्कशन करूंगा इस स्टॉक में कि अभी जिस कंपनी के क्वार्टर के नंबर आए हैं, इसके बदौलत इस स्टॉक में क्या हो सकता है। सारा फोकस हमारा इसी में रहेगा। शुरुआत शुरू से करते हैं। अभी देखेंगे तो 2.85 रुपये पर इसने अपना क्लोजिंग दिया है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान की बात करें तो। और तकरीबन एक दिन में देखेंगे तो यहाँ पर कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस लेवल पर जिस प्राइस पर इसने अपना ओपनिंग दिया था, उसी प्राइस पर इसने अपना क्लोजिंग दे दिया। वहीं पर पिछले एक सप्ताह की बात करें तो पिछले 5 दिनों में देखेंगे तकरीबन 3.5% के आसपास स्टॉक आपको टूटते हुए दिखेगा। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों तक एक सप्ताह में शुरुआत के दिनों में अच्छा चला, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस आ गया। और उसके बाद तो देखेंगे तो यहाँ से प्राइस और नीचे ही आ गया और फिर नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा। मतलब ये हुआ कि जब से क्वार्टर फोर के नंबर आए हैं, इसके स्टॉक में गिरावट और ज़्यादा देखने को मिलने लगी है। पिछले एक मंथ की बात करें तो पिछले एक मंथ में देखेंगे स्टॉक तकरीबन 8% के आसपास टूट चुका है। और वहीं पर पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में तो आपको पता है कि लंबी अवधि में स्टॉक टूट कर नीचे की तरफ आया। और ग्राफ भी देखेंगे स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि अभी भी नीचे की तरफ ही इसको जाते हुए इसमें दिख रहा है। अब चलिए यहाँ पर लोग विकास लाइफ केयर को सबसे पहले कंपनी के चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि कंपनी का चार्ट क्या कहता है, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के स्टॉक में गिरावट होगी या बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे आप, एक साल का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले एक साल का चार्ट पर समझ लेते हैं और फिर जरूरत पड़ी तो और भी लंबी अवधि का चार्ट ओपन करके देखेंगे। आप क्या देख पा रहे हैं कि इस स्टॉक का प्राइस तकरीबन जनवरी 2023 से देखें, यहाँ से देखें जनवरी 2023 से, तो इसके बाद से इस स्टॉक मतलब इस साल की शुरुआत से इस स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट आया। पहले 4.5 रुपये के आसपास था जनवरी फरवरी के आसपास देखेंगे तो, लेकिन इसके बाद फरवरी के बाद से तो इस स्टॉक में क्या शानदार तो नहीं कहेंगे, गिरावट कभी भी शानदार नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ी से स्टॉक नीचे की तरफ गिरा है। देखिए, इस लेवल की यदि बात करें तो 4.5 रुपये के आसपास के लेवल, और अभी इस लेवल की जहाँ पर प्राइस चल रहा है तकरीबन 2.5 रुपये के आसपास का लेवल है। और अभी जैसे मैंने बताया कि कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर अच्छे नहीं आए, तो क्या हो सकता है, यहाँ से देखेंगे तो प्राइस धीरे धीरे डाउन आ रहा था, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस अभी डाउन नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि एक कह सकते हैं कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज में अभी स्टॉक फंसा हुआ है। अच्छी बात यह है कि क्वार्टर फोर के नंबर के मतलब कुछ खास असर अभी इस स्टॉक पर पड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद यदि प्राइस नीचे की तरफ आता है, 2.5 रुपये से भी नीचे आ जाता है, तो जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट है और बाहर निकलना चाहते हैं तो वो इस स्टॉक से एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके नीचे 2.5 रुपये के नीचे जाएगा तो। अब देखिए, जिन लोगों ने तो 4.5-4.5 रुपये के आसपास बाई किया होगा इस लेवल के आसपास, उनको ऑलरेडी उनका इन्वेस्टमेंट आधा हो गया होगा, अपने पैसे को पूरा डुबाने की जरूरत नहीं है। 2.5 रुपये से नीचे जाता है तो आप इस स्टॉक से बाहर हो सकते हैं। हालाँकि 2.5 रुपये के नीचे जाने के चांसेस नहीं, इसी में कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करेगा, फिर अगले क्वार्टर के नंबर अच्छे आ जाएंगे। और अगले क्वार्टर के नंबर अच्छे आते हैं तो उसके बदौलत प्राइस आपको फिर इस 3 रुपये के ऊपर से निकलकर 3-3.5-4 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है, जबकि इसकी संभावना ज़्यादा लगती है कि प्राइस 2.5 रुपये तक आपको इजिली जाते हुए दिख सकता है। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्वार्टर फोर के नंबर को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी देखेंगे, यहाँ पर हमने क्वार्टर फोर का रिजल्ट ओपन किया, और क्वार्टर फोर के रिजल्ट में सबसे पहले इस कंपनी के सेल्स की बात करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी का सेल्स 116 करोड़ के आसपास हो गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 131 करोड़ के आसपास था। और पिछले 3 क्वार्टर में देखेंगे तो 3 क्वार्टर में सबसे कम इस कंपनी का सेल्स इसी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में होते हुए आपको दिखा है। और चूंकि सेल्स भले कम हुए, लेकिन कंपनी के खर्चे कम नहीं हुए। देखिए, एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जब 131 करोड़ कंपनी की सेल्स हुई थी, तब 125 करोड़ कंपनी ने खर्च किया था, तो बात समझ में आती है। लेकिन इस क्वार्टर फोर में 116 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ है, तो कंपनी के खर्चे भी सेम ही हुए, खर्चे में कमी नहीं आई है। इस वजह से इस तरह की जो कंपनियाँ होती हैं, प्रॉफिट नहीं चलकर लॉस में जाने लगती है। अब देखिए, अभी इस कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट इस कंपनी का भी लॉस में आ गया है इस क्वार्टर में। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये कंपनी अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं करे। कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े अलग अलग बिजनेसों में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जाहिर सी बात है इसको रुपयों की आवश्यकता है, और सेल्स तो उतने हो नहीं रहे, कंपनी की कमाई उतनी हो नहीं रही है, लेकिन जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेज है, वो तो लगेंगे। इस वजह से अभी क्या है कि कंपनी यहाँ पर देखेंगे लॉस में आ गई है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट की बात कर रहे हैं उसमें, जबकि उसके पहले तक कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही थी। ओवरऑल बात यह है विकास लाइफ केयर में कि जैसे मैंने बताया आपको, कोई क्वार्टर फोर के रिजल्ट नंबर अच्छे नहीं आए हैं, और उसके बदौलत यदि इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको 2.5 रुपये के नीचे जाते हुए दिखता है, तो आप इस स्टॉक से तुरंत एग्जिट हो जाएगा, नहीं तो आपका पैसा पूरे साफ होने के चांसेज रहेंगे।
उम्मीद करता हूँ विकास लाइफ केयर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पेंजल ओन एम स्टॉक ओन ट्रीटमेंट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।